हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल दिव्या मिश्र ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सेफ सुरक्षित अपने घर पे होंगे। ये मैं हूँ, ये चीकू है और यहाँ पारी हो रही है कि गुड मॉर्निंग हो रही है। गुड मॉर्निंग। आज चीकू लाल जल्दी उठ गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 7:30 और चिकोड़ी लाल उठ गए हैं आज सुबह सुबह, क्योंकि ये रात में जल्दी सो गए थे, है ना चिकू? और मेरा बन रहा है खाना, सब्जी। सब्जी बन रही है क्योंकि सबको लंच देना है ना। नाश्ते में क्या खाओगे? नाश्ते में पास्ता, इडली तो सांभर तो कल डिनर में हो गया, पास्ता ही खा लेता। खा लो। आज नाश्ते में बना रही हूँ पास्ता, नाश्ते में पास्ता। आज मुझे लगवाने जाना है वैक्सीन भी, वैक्सीन की मतलब सेकंड डोज। फर्स्ट डोज का तो लग ही गया था, अब सेकंड डोज जाना है आज लगवाने, दोपहर में वो भी जाऊंगी। हेलो चुको, ये देखो ये चीकू को इधर से दिख भी रहा है। अब ईशु की क्लास इसमें नहीं चल रही है तो इन्होंने ये इस पे चला लिया है, वो ऑगी। चीकू परेशान न करो, मेरे को जल्दी जल्दी बेटा काम करने दो, मेरे को जाना है ना वैक्सीन के लिए, बुक हो गया है 1 बजे का और 11:30 से ऊपर हो चुके हैं। फटाफट काम करने दो, उसके बाद फिर जाना है ना। तुम भैया के साथ घर पे रहना, ठीक है? तो नहीं लाएगा कौन मुझे? नहीं लाएगा कौन? मैं तुम्हें नहला के जाऊंगी, चिंता ना करो तुम। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने। आज वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ मैं, मतलब सेकेंड डोज है उसका। चीकू लाल घर पे ही रहेंगे, है ना चीकू? बदमाशी मत करना, मैं भी बस आ जाऊंगी, 1 घंटा लगेगा। फिंगर निकालो मुंह से, फिंगर निकालो आप मुंह से। कार्टून देख रहे हैं बैठ के, ईशु की क्लास चल रही है तो मैं नहीं जा रही हूँ। कल नाश्ता के लिए बर्तन रख दूँ वहाँ पे। मुझे रिक्शे में मिल गया, टंग बाहर निकली हुई है, अंदर काट नहीं है। नहीं काट देना, अंदर करो, अंदर करो, किसी को करेगा अंदर, चलो अंदर करो। फिर ये भूत लगता है। नब्बा का है, बंद है मेरा। हेलो करना, हेलो करना, रखो, ए ये रिक्शे में मुझे क्यूटी पाई मिल गया था, इतना क्यूट डॉगी है ये, क्या बताओ। मैं तो बस पूरा रास्ता इसे देखती रही, इसकी टंग ना बाहर निकली रहती। मैंने अंकल से पूछा तो अंकल बोल रहे हैं कि इसकी टंग बड़ी होती है और मुंह छोटा होता है, इस वजह से ये टंग इसकी अपने नेचुरली बाहर थोड़ी सी निकली रहती है। लेकिन सच में बहुत क्यूट, मुझे को ऐसे ही डॉगी पसंद आते हैं। वो बता रहे थे ना ये भौंकता है किसी को, ना ही किसी को काटता है, मतलब बहुत क्यूट होता है। मुझे ऐसे ही डॉगी पसंद है, मुझे भी मन करता है मैं लाऊं अपने घर पे। जब कभी भी लाऊंगी तो ऐसा ही यही वाला लेके आऊंगी, बहुत क्यूट लगता है, प्यारा होता है बहुत। चाहिए पूरा हमारी तरह। अच्छा, खाना भी अगर इसका खाना फेंक दिया ना तो खाएगा नहीं। ठीक से दो, अच्छे से। क्या हुआ? हवा लग रही है, हवा लग रही है, हवा लग रही है, हवा लग रही है। फ्रेंड्स, मैं अपनी टाइम पर पहुंच गई थी कि वैक्सीन, उन्होंने मुझे बोला कि 1 बजे पहुंच जाना। एक्चुअली क्या था, ये सुबह ऑफिस चले गए थे और बोले थे कि मैं 1 बजे वहां पहुंच जाऊंगा जहां वैक्सीन लगवानी है, तुम आ जाना वहीं पे। तो मैं तो अपने टाइम पर पहुंच गई, फिर इन्हें कॉल किया तो कह रहे हैं कि अभी मैं रास्ते में हूँ।
तो फिर मैं वहीं पास में एक मॉल है BTS मॉल, फिर मैं वहाँ चली आई। सुपर 99 स्टोर है उसके अंदर। फिर वहाँ मेरे को कुछ थोड़ा एक दो सामान भी लेना था, तो मैंने सोचा तब तक यही देख के देख लेती हूँ, तो फिर मैं वहीं चली आई थी। सुपर 99 मार्केट में आपको किचन से रिलेटेड, वॉशरूम बाथरूम से रिलेटेड और बच्चों की स्टेशनरी एंड उनके टॉयज़ वगैरह भी और कुछ गिफ्ट गिफ्ट मतलब गिफ्ट जैसी भी आइटम्स मतलब यहाँ पे आपको बहुत ही मिल जाता है, अच्छे से मिल जाता है, बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। तो मैं अक्सर आती हूँ, कभी मेरे को कुछ लेना होता है तो मैं आ जाती हूँ। मुझे ज़्यादातर मेरे को ना गिफ्ट, किसी को गिफ्ट देना हो या फिर किचन का कोई सामान हो जैसे कोई बर्तन वगैरह या कुछ और छोटी मोटी चीज़, तो फिर मैं मेरे को यहाँ से लेना पसंद आता है। Hera, Hermes, Icarus, Narcissus, Medusa, Epazos, Asha, La, Sisus, Minerva। मॉल के अंदर बहुत अच्छी डेकोरेशन भी कर रखी थी, ये दिवाली की डेकोरेशन, लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी सी एक मूर्ति रखी थी जो कि लाइट से ही पुरानों ने बना रखा था और लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी दिन में। ये रात मतलब ये जलता होगा जान तो बहुत ही खूबसूरत लगता होगा, शायद रात में जलाते होंगे, पर बहुत ही बहुत बड़ी सी और सब लोग यहाँ पे फोटो ले रहे थे अपनी। वाकई में काफ़ी सुंदर लग रहा था ये देखने में। ये देखिए एक डेकोरेशन ये भी कर रखी है, दिवाली की दिया बना रखी है, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ये हैप्पी दिवाली, ये बहुत ही प्यारा। बैकग्राउंड में आप हॉरर मूवी वाला जो साउंड होता है वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ना एक वो भूतिया घर जो होता है ना वो बना हुआ, वहाँ जाते हैं देखते हैं तो इसकी बराबर आ रही थी। अभी सुबह का टाइम है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब सुबह क्या दोपहर है, एक बज रहे हैं तो अभी भीड़ नहीं है, लेकिन शाम से होगी क्योंकि आज सिकिम से पहले थे। लिफ्ट जा रही है ऊपर, ये है BTS मॉल। ये सारी डेकोरेशन दिवाली की है, दिवाली पे डेकोरेट किया गया है। कौन सा स्कूल है फाइनली मैं वैक्सीन लगवाने पहुंच ही गई। ज़्यादा देर नहीं लगा, सिर्फ 2-3 मिनट हम लोग लाइन में खड़े थे और वैक्सीन लग गई। हाँ, लगने के बाद वो 10 मिनट करीब बिठाते हैं, उसके बाद जाने देते हैं, तो वही 10 मिनट वेटिंग, मतलब कुल मिला के 15-20 मिनट मुझे वहाँ लगा था और उसके बाद मैं आ गई थी। बहुत लोग लगवाने आए थे, मतलब काफ़ी भीड़ थी, सब सेकेंड डोज कोविशील्ड लगवाने आए थे। फ्रेंड्स शाम हो गई है, शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं बना रही हूँ चाय। वैक्सीन लगवा के मैं आ गई थी घर और अभी फ़िलहाल मेरे को थोड़ा सा फीवर आ गया है और पेन भी हो रहा है हाथ में, तो उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है। वैसे और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फीवर की भी दवाई खानी, तो पहले चाय वगैरह पी लूँगी उसके बाद फिर दवाई खाऊँगी, पर दर्द हो रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा हाथों में, उसकी दिक्कत है। एंड उसके बाद भी बनाना है डिनर। चीकूलाल क्या कर रहे हो?
आज लेट हो गया, आज पापा जी भी अभी नहीं आए घर। चीकू लाल ने अपनी गाड़ी में एक म्यूजिक सिस्टम लगा लिया है, पागल वाले अपने बाबा का रेडियो उठा लाया है, नीचे से उसको गाड़ी में पीछे लटका लिया है, कह रहा है कि म्यूजिक सिस्टम लग गया मेरी गाड़ी में। सिस्टम लग गया क्या? हाँ चीकू, म्यूजिक सिस्टम लगा लिया तुमने? तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।